गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक छोटी सी स्टोरी जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि प्रॉब्लम से सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट के चले शुरू करते हैं। एक दिन ये लड़की अपने पापा से पूछती है, पापा मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं? कभी भी कोई प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन निकालती हूँ तो फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम आ टपकती है। उसके पापा मुस्कुराते हैं और उसे किचन में लेके जाते हैं। किचन में 3 different pots में पानी गर्म करते हैं और एक में रखते हैं अंडा, एक में रखते हैं आलू और तीसरे में कॉफ़ी की बीज। फिर कुछ देर बाद पापा तीनों पॉट बाहर निकालते हैं और अपने बेटी को बोलते हैं कि तुम इसमें क्या नोटिस कर रहे हो? बेटी बोलती है, एक उबला हुआ आलू, एक उबला हुआ अंडा और एक कॉफ़ी। पापा बोलते हैं, ये तीनों चीज़ हमारे जैसे लोग हैं और ये पानी है हमारी लाइफ। हर कोई अपनी लाइफ से गुजरता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ, पर सबका बिहेवियर अलग अलग रहता है। जो लोग आलू की तरह होते हैं बाहर सख्त, प्रॉब्लम के साथ बहुत नरम हो जाते हैं। कुछ लोग बाहर तो सख्त होते हैं पर अंदर बहुत नरम, प्रॉब्लम्स आने पर वो अंदर भी सख्त हो जाते हैं। कुछ लोग कॉफ़ी की तरह होते हैं जो कि प्रॉब्लम के साथ साथ खुद को तो चेंज करते हैं बट प्रॉब्लम्स को भी चेंज कर देते हैं। पापा बोलते हैं, अब तुम खुद सोचो तुम्हें क्या बनना है, आलू, अंडा या कॉफ़ी। इस कहानी की सीख ये है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है ये हमें आना चाहिए। बस अब खुद सोचो कि आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को बदलोगे या खुद बदल जाओगे। बस गाइस, स्टोरी इतनी तक ही थी। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, शायद कोई ना कोई तो इसे इंप्लीमेंट कर लेगा अपनी लाइफ में, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ मोटिवेशन के ऊपर तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून, बाय बाय, टाटा।